मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। युवराज सिंह के बाद अब युविका चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। युवराज सिंह से हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग लगभग सेम मामला ही नजर आता है। पहले तो आपको युवराज सिंह के बारे में बता दूं, उन्होंने युजवेंद्र चहल पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इसको लेकर शिकायत दर्ज हुई थी, तो युवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उसके बाद उनको जमानत मिल गई थी। ठीक उसी तरह से युविका चौधरी को भी गिरफ्तार किया, 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और फिर उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। अब युविका चौधरी, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, प्रिंस नरूला की पत्नी है, साथ ही साथ जानी मानी एक्ट्रेस है। युविका चौधरी के साथ पूरा मामला क्या था ये मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। हमने ही ये खबर आपको बताई थी। मजे मजे में युविका चौधरी ने दरअसल एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर गई वो लोगों को अखर गया। उन्होंने एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई और उसके बाद से ही युविका चौधरी के खिलाफ रोष प्रदर्शन, विरोध, ये सब कुछ देखा जा रहा था। इन सब के बीच उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई जिसके बाद युविका चौधरी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने एक्ट्रेस से 3 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद औपचारिक जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि ये टिप्पणी उन्होंने बीते मई के महीने में की थी। बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी सामने आया था और लोगों ने इतना गुस्सा जाहिर किया था कि जिसके बाद हांसी थाने में उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था और FIR दर्ज कराई गई थी। बीते दिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्ट्रेस युविका चौधरी को गिरफ्तार तो किया गया, 3 घंटे पूछताछ हुई लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसा ही कुछ एक केस मुनमुन दत्ता, यानी कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी हैं, उनके साथ भी हुआ था। होता क्या है कि बातों ही बातों में मजे मजे में टिप्पणी कर दी जाती है, लेकिन ये टिप्पणी कहाँ तक जाती है, लोगों को किस कदर आहत करती है, ये तमाम सेलिब्रिटीज इस चीज से बहुत दूर होते हैं। लेकिन जब भावनाएं आहत होती हैं तो फिर शिकायत भी होती है, एक्शन भी लिया जाता है। हाँ, कुछ लोग इस पर भी रिएक्शन दे रहे हैं, लताड़ लगा रहे हैं पुलिस कर्मियों की, कह रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी के लिए क्यों गिरफ्तार किया था जब जमानत देनी ही थी। तो खैर, कुल मिलाकर युविका चौधरी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है?